हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका संगीता राय चैनल पे। होप यू आर डूइंग वेल। हो चुकी है मॉर्निंग, सुबह के बज रहे हैं 5:30। नाइस, गुड मॉर्निंग। अरे बाबा, गुड मॉर्निंग अनाया। अभी उठ चुकी है और रीज़न क्या है मैं दिखाती हूँ। बारिश, अनाया की तबीयत थोड़ा सा नहीं ठीक है। कल हम दवा लाए हैं अनाया के लिए, थोड़ा सा फीवर हो रहा है, वायरल टाइप भी हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। और मैं दिखाती हूँ आज अनाया को। मैं सोच रही नहीं भेजूँगी, पर ये मुँह बनाने ही जाना है, लेकिन हम इन्हें भेज नहीं पाएंगे। दिखाते हैं आप लोग क्यों। हाँ, बाहर हो रही है गजब की बारिश, दिख रहा है आपको? इतना अंधेरा हो गया। मैं दिखाती हूँ आपको, अगर ले जा पाई बाहर तो। मैं चली अपनी किचन में और इतनी तेज बारिश हो रही है। दिखाती हूँ मैं, ये देखिए बहुत तेज़ बारिश हो रही है, इतनी हवा भी तेज़ चल रही है। आपको मेरी आवाज़ भी कम आ रही होगी ना इसी वजह से। और सुबह के 5:30 बज रहे हैं, इतना अंधेरा सा हो रहा है। ये बारिश आज रुकेगी नहीं, बिजली भी कड़क रही है। मैं पीछे आ जाती हूँ, बहुत तेज़ बारिश है भाई। अनाया के लिए मैं भिंडी बना रही थी। अनाया को मैं फोन पर भेजूंगी नहीं। इधर भिंडी बन रही है, इधर मैंने गूंथ के रख लिया है आटा। बस रोटियाँ सेक रही है, जल्दी जल्दी से सेक लेते हैं। बारिश इतनी तेज़ है कि बिजली आवाज़ करती है, बहुत तेज़ बारिश है, बहुत तेज़। और ऐसे में पता है मेरे टॉयलेट बाथरूम सारा बाहर बना हुआ है इस साइड में, तो मुझे भीग के ही जाना है, समझिए। बहुत अजीब सा लग रहा है। यार सुबह स्कूल भी बहुत दूर है, बिजली रात में कड़कती तो जान निकल जाती है बिल्कुल भाई। ये नौकरी ना आसान नहीं है हम लोगों के लिए। ये वो काम है जिससे छुटकारा नहीं पा सकते, बारिश हो या कुछ भी हो, खाना तो मुझे बनाना ही है। बारिश बहुत तेज है, बहुत तेज है, गर्मी भी बहुत पड़ रही है। रोटियाँ, बारिश अभी भी तेज हो रही है और मैं जा रही हूँ, नहीं तो
भीग जाऊंगी। छाता यहीं छोड़ देते हैं और अनाया स्कूल नहीं जाएंगी, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, ठीक है ना? ओके, बनाना खाए आपने? मैंने बोला था ना आपसे बनाना खा लीजिए। और बस मैं चल रही हूँ शावर लेने, नहीं तो मुझे होगा लेट, शावर लेके फिर मिलती है आप लोगों से। सो मैं ऑलमोस्ट हो चुकी हूँ रेडी, अब टाइम हो गया है अनाया को दवा पिलाने का, क्योंकि अनाया को फीवर फिर से लग रहा है। लग क्या रहा है दवा? हाँ हाँ, ठंडी लग रही है। अनाया को ठंड लग रही है और अनाया खाना खाने को नहीं रेडी है, तो जबरदस्ती मैंने सिर्फ और सिर्फ बनाना खिलाया है। तो बारी बारी से पिला देते हैं दवा। मैं चली जाऊंगी स्कूल, अन्नू भैया इनका बहुत ध्यान रखते हैं, उनको पता है कितनी क्या दवा, मैं बता के जाऊंगी। सो पहले ही इनको पिला देते हैं 8 ml। बारिश भी हो रही है, मौसम भी नहीं ठीक है, तबीयत तो इनकी पूछ ही मत। डाली ना छोटे, रुकी रुकी पूरा पीछे पानी पी लो और थोड़ी देर बैठ लो, ठीक है? हाँ स्कूल बस गई है ना यहाँ की। तो एक दवा अनाया को पिला दी, इनकी दवाएं भी रखी तीन, तो तीन जो है अन्नू भैया इनको पिलाएंगे बाद में। उसमें लिखा हुआ है कितनी ml कितनी कौन सी देनी है। आज क्या हुआ? टेस्ट नहीं अच्छा है? टेस्ट नहीं अच्छा, मीठी थी। अरे मीठी है बेटा, आपको स्वाद लग रहा है ऐसा? मेरा बच्चा क्या करें, यहाँ छुट्टियाँ कम है, अदरवाइज मैं छुट्टी ले लेती, छुट्टियाँ मेरी कम बची है, मजबूरी है, मुझे बच्चे को छोड़ के जाना पड़ेगा। 14 छुट्टियाँ मिलती हैं यार, बहुत मुश्किल से मैं मैनेज करती हूँ 14 छुट्टियों में। तो चलिए मैं रेडी तो हो चुकी हूँ, निकलती हूँ कुछ इनको खिला पिला के फिर स्कूल के लिए। अभी भी लगातार हो रही है बारिश यहाँ पे और बादल ऐसे हैं कि अब बरसता रहेगा। बाबू मेरा लेटा हुआ है, फीवर है भैया को। हाँ दो दवाएँ मैंने पिला दी है बाबू को, रेस्ट करेगा बाबू। और बाबू टी वी देख रहा है। यस रेस्ट करो, मम्मा आ जाएगी जल्दी से, ठीक है? ओके तो मैं चल रही हूँ अनाया। अनाया आप ध्यान रखना अपना, ओके? अनु भैया आ ही गए, ठीक है? बाय बच्चा, लव यू बाबू, टेक केयर। हाँ मैं आती हूँ अभी, और क्या ही बोलूँ, आती हूँ अभी के अलावा तो बोल नहीं सकती। और बारिश हो रही है अभी भी बाहर, ये देखिए मेरा ऑटो आ चुका है। चलिए अनु भैया जाइए आप, ठीक है? कर लिए हैं मस्कूल के लिए, बारिश हो रही है बराबर। और ये ऐसी बारिश है कि लग रहा है कि दिन भर निकलेगा नहीं। बच्चे देखो भीगती भी जा रही है। पेरेंट्स को चाहिए कि रेनकोट वगैरह पहना के भेज दें, क्योंकि मौसम तो सुबह से ही ख़राब है। ऐसा तो है नहीं कि अचानक वाला बारिश होने लगी। पहुँचते हैं स्कूल, मन नहीं लग रहा है, बाबू की तबीयत नहीं ठीक है ना, और मैं उसे छोड़ के आई हूँ, पर मजबूरी है हमारी, क्या बताए। सड़कें बिल्कुल साफ पड़ी है, भीड़ ना के बराबर है, इतनी बारिश में कौन निकलेगा भाई। बारिश हुई है यहाँ पे, ये देखो छोटू सा बच्चा,
बारिश तेज, ऑटो में भी हमारे पानी आ रहा है। बादल देखिए कितनी तेज है, ये बादल आज जाने वाले नहीं है, ये लगातार बारिश होगी, आज दिन भर बारिश होगी। सब पानी भरा हुआ है, बैग भी भीग रहा है मेरा। सुबह से ही बारिश शुरू है, उसके बावजूद इतना जो है भर गया पानी। सब चले, पानी भरा हुआ है, बिजली भी खराब है। देखिए यहाँ पर एक खड़ी हुई है, ठीक करने के लिए शायद कोई लाइन मैन आया होगा, क्योंकि इतनी बारिश में कौन ही ठीक करेगा। बारिश में बनाएगा ही नहीं, बिल्कुल अंधेरा सा हो गया है ना मैम, बारिश जबरदस्त हो गई है, बिल्कुल अंधेरा सा हो गया यहाँ पे, और ऐसे में सबको जो है मजबूरी में क्या बताएं। यही तो प्रॉब्लम है, बेसिक में रेनी डे भी नहीं करते हैं, प्राइवेट स्कूलों में तो हो भी जाता है। हमारे यहाँ 5 बजे शुरू हो गई, हाँ सुबह होने शुरू हो गई थी, पर इतनी तेज हो रहा है हमारे यहाँ पर, लगातार होती है बारिश। मैं पहुंच गई हूं स्कूल और यहां भी बारिश हो रही है, और मैं खड़ी हूं पेड़ के नीचे, तो थोड़ा थोड़ा कम्बूदे पड़ रही हैं, बाकी अब व्लॉग बनेगा स्कूल के बाद में। सो हो गया छुट्टी का टाइम और फिर से यहां पे हो रही है बारिश, मौसम बहुत, घर में तो बहुत हो मस्ती, स्कूल टाइम में छुट्टी के टाइम में फिर से बारिश शुरू हो गई है। और यहाँ चलना है कि तब नहीं जीते, तो मेरा मन नहीं लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है कि कितनी जल्दी घर पहुँचे, फीवर है, रो भी रही थी फोन पर, मन नहीं जीते आज मेरा, बिल्कुल लगता है जल्दी से घर पहुँचे। ये देखिए अभी यहाँ पे बारिश होने गई है, सड़कें पूरी भीगी हैं। पानी ही पानी, बच्चे नहा रहे हैं बारिश में। यहाँ पे हमारे स्कूल से ज़्यादा बारिश हो गई है इधर रास्ते में, और शादी पर आते हैं तो देखिए इतनी ज़्यादा धूप रहती है। दूसरा बारिश के कारण लोग कहीं भी रुके हुए थे, एकदम से लगा जैसे बहुत सारी भीड़ आ गई है। बारिश रुकी है तो सब एकदम से लोग निकल रहे हैं, इसलिए हमारे ग्रामीण क्षेत्र में भी इतनी भीड़ हो गई है। फिर बारिश नहीं हो रही है, यहाँ पे निकली है धूप। सो आ चुकी हूँ मैं घर, और अनाया की तबियत, अनाया कैसी तबियत है? खराब। अनी मेरा बच्चा, दवा पी है ना आपने टाइम से? हेलो मैम। हेलो मैम को, मैम को मैंने बोल दिया था कि मैम देख लेंगी थोड़ा सा, क्योंकि हाँ अच्छू गर्म मेरा बच्चा, अभी मैं देती हूँ दवा, दवा तो पी चुके हो ना, है ना। सो अनाया आज स्कूल भी नहीं गई, इनकी तबियत भी नहीं ठीक थी, तो बस ब्लॉग को यहीं पर एंड अप करते हैं। अब टाइम है बाबू को देखने का, बाबू को खांसी आ रही है, अभी अभी देखते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड लव, कीप वॉचिंग, लाइक वाइज, बाय बाय एवरीवन, करना है, बाय बाय बाय।